बैठ के छोटवा रहे हैं, ना नाम लिखे कब हम न बतावे कि मतलब हम लोग के नी पढ़ाई के लड़के के आंगनबाड़ी में नाम लिखाए ले जा, न हमारे सब पास कौन सामान मिले। अब लड़कियन मजबूरी में नहीं कहाँ हम लोग जाने कहाँ नाम लिखावे जाए, इसलिए हम लोग परेशानी कब गाँव अभी ना करते पता करना लड़के लिखे कि ना लिखे बात है। तो आपके दिक्कत ये का वो पढ़ाई के कि जो सुविधा आवत होकर हमका लड़कियन के सुविधा की दिक्कत है, पढ़ाइयों की दिक्कत है, लड़के पढ़े ना दिमाग आगे कैसे बढ़ी। समेकित बाल विकास परियोजना के तहत सभी बच्चों को पोषाहार मिलना अनिवार्य है, परंतु उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर के जलालपुर ब्लॉक के गांव हुसैनपुर में चंद्रिका सहित बच्चों को करीब 40 बच्चों को पोषाहार न मिलने से उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारी ही दिक्कत बा कि मतलब जो नहीं के आंगनबाड़ी वाली जो मिलत है पोषाहार, तो वह बच्चन के तीसरा महीना देते हैं कि वह छोट लड़के की रिफाइन दे दें, 3 साल का लड़के हमारे ओका ना देते हैं। जब ताकत वाली चीज मिलत है सरकार की समय तो हमें देवे ना करते, हम सबके इतना खरीद खाद हमें सबके चाहे पूरा गाँव हुसैनपुर। तो आपके गाँव में आंगनबाड़ी सेंटर बा? हाँ सेंटर बा, खुलत है डेली, मतलब अपने घर आई वही सेंटर बना बा, वही अपन जब बटा तो वही दे थी के लड़कियन के। तो जैसे डेली खोलत है लड़के पढ़े जाते हैं? नहीं लड़कियन ना पढ़े जाते अबे ना करते बला, मतलब जैसे अबे ना करते बुलावे कि मतलब लड़के चला हम पढ़ाई तोर से उनके। तो आप का चाहत है? हम ये चाहे थे कि मतलब लड़कियन के पूरा हमारे हुसैनपुर में सबके लड़कियन के चाहिए दाल रिफाइन दूध सब कुछ जो आवत है सरकार को से ताकत वाला चीज हमें लड़की सबको मिले चाहिए। आंगनबाड़ी सेंटर को लेकर मुझसे डीपीओ से बात हुई, उन्होंने यह आश्वासन दिया कि मैं सुपरवाइजर से कह के इसकी जांच करवाता हूं और कोशिश करता हूं कि सभी बच्चे को आंगनबाड़ी में पोषाहार समय समय से मिलता रहे। ये परेशानी है गाँव के लड़के उठवा नहीं पाते, पोषाहार नहीं पाते, न पढ़ लिख पा रहे हैं बच्चे, गांव का कोई सुविधा नहीं मिल रहा है आंगनबाड़ी में, देती हैं तीसरे महीने। तो पोषाहार अगर तीसरे महीने देती हैं तो क्या दिक्कत होता है? तो एक बच्चे को देती हैं एक बच्चे को नहीं देती हैं, और सब बच्चे के गांव में लिखे नहीं हैं, वैसे 2-4-10 बच्चे हैं कि देती हैं, नहीं तो देवे नहीं करती। पोषाहार मिलने से क्या फायदा? तंदुरुस्त हुई है, पढ़िए लिखिए, दिमाग बढ़ी। मैं गायत्री उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर से इंडिया अनहद के लिए।